हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई रेसिपी डालूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टर्निप की रेसिपी, जो इसको सलजम भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। इसके अंदर बहुत सारे जो हैं फाइबर होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फास्फोरस होता है। तो फ्रेंड्स, ये आइज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसको खाने से आँखों की रोशनी भी अच्छी होती है। तो मैं आपको एक न्यू तरीके से बना के दिखाऊंगी ये सब्जी, जो लोग टर्निप नहीं खाते हैं वो भी खाने लगेंगे। इतनी टेस्टी बनती है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बना के खाएंगे इसको। तो चलिए अब मैं बताती हूँ मैंने इसको कैसे बनाया है, इसके लिए क्या क्या चाहिए। सब्जी बनाने के लिए मैंने ये सारी सामग्री ली है। ये मैंने टर्निप लिए हैं और तीन लिए हैं, टू टोमेटो हैं, ये इस तरह सा होता है। और इसको मैं ऊपर से नीचे से निकालूंगी, पहले इसको पील करना होगा। और इधर मैंने टू टोमेटो लिए हैं, वन ऑनियन, जिंजर, गार्लिक और टू चिली लिया है और ग्रीन पीस लिया है। और उसके बाद हम जो है इसको पील कर लेंगे। और पील करने के बाद फिर हमको इसको ग्रेट करना है। और देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद हम इसको पील करने के बाद फिर हम, तो देखिए मैंने पील कर लिया है। इस तरह से हमें पील करके रख लेना है। ये मैंने कद्दूकस लेना है और उसके बाद इसके ऊपर हमें इसको कद्दूकस कर लेना है इस तरह से। और इस तरह से बनाएंगे तो इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। आप काट के बनाते हैं तो उतना टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है तो मज़ा नहीं आता सब्ज़ी खाने में। पर अगर इस तरह से बनाएंगे तो इतनी टेस्टी बनती है कि आप ज़रूर बनाएंगे। एक बार बनाने के बाद आप हमेशा बना के खाएँगे इसको, और इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़रूर हमें बना के खाना चाहिए। उसके बाद ये मैंने ऑनियन लिया था, जो ऑनियन को भी मैं इस तरह से चॉप कर लूँगी। आप कैसे भी चॉप कर सकते हैं, छोटा बड़ा कुछ भी, जैसा भी आपको पसंद हो वैसे कर सकते हैं। जिंजर को भी हम यहाँ पे ऐसे ही ग्रेट कर लेंगे, जिंजर भी हमें ग्रेट कर लेना है। साथ में ग्रीन चिली को हमने चॉप कर लिया है, तो इस तरह से जिंजर इसके अंदर ज़रूर डालना है, क्योंकि जिंजर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको मस्टर्ड ऑयल में हम बनाएंगे। ये मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हमारी जो भी सब्ज़ी हो, अगर हम मस्टर्ड ऑयल में बनाएं तो सच में बहुत टेस्टी बनती है। कुछ सब्जियां तो मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे हमने जीरा ऐड कर दिया है, हमारा तेल गर्म हो गया था, जीरा ऐड कर दिया है, जीरा भुन रहा है। उसके बाद इसके अंदर जो हमने चिली, गार्लिक और जिंजर लिया है उसको सबसे पहले डालेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है, इसको भून लेंगे हम। और भुनने के बाद इसको, उसके बाद इसको हम थोड़ा सा हिला लेंगे। उसके बाद फिर जब ये भुन जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर ऑनियन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो चॉप करके ऑनियन लिया था वो ऑनियन ऐड कर दिया है, और इसको भी हम भून लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने हिला दिया है, और हिलाने के बाद यहाँ पे देखिए भून गया है मेरा प्याज। ये देखिए इस ऐसा कलर आ जाना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर हम पीस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पीस को भी ऐड कर दिया है, इसको भी भून लेंगे हम। तो इस तरह से हमें भून लेना है। जब थोड़ा सा भून जाएगा उसके बाद जो हमने टर्निप को कद्दूकस करके लिया है उसको भी हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने ये लिए हैं काजू और किशमिश, इसको भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और पहले हमने नहीं ऐड किया है, नहीं तो वो जल जाता है इसलिए। और यहाँ पे हम ऐड करके भून लेंगे। यहाँ पे आप काजू और किशमिश का डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, ये भी भून जाएगा। तो ये हमारा भून गया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने हल्दी डाला है, तो हल्दी आप अपने हिसाब से डालें। और हल्दी डालने के बाद और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाला है, इसको हम भून लेंगे। बहुत अधिक मसाले का यूज नहीं करना है, और आप अपने हिसाब से करें, मैंने तो बहुत कम यूज किया है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो टोमेटो लिया था वो टोमेटो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और टोमेटो को भी मैं चॉप करके ही लेना है, आप चाहें तो ग्रेट करके भी ले सकते हैं। और यहाँ पे टोमेटो गलने तक हमें पकाना है। तो यहाँ पे अभी मैं चला रही हूँ, और उसके बाद जब हमारे टोमेटो अच्छे से गल जाएंगे फिर हम यहाँ पे टर्निप जो हमने कद्दूकस किया उसको डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बार कवर करेंगे हम, कि ताकि हमारा टोमेटो गल जाए। तो यहाँ पे हमने कवर कर दिया है। अभी देखिए थोड़ा टोमेटो गल गया है, और थोड़ा सा हम इसको मैश कर लेंगे इस तरह से। तो थोड़ा मैश हो गया है,
उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने जो टर्निप लिया था उसको मैंने ऐड कर दिया है। और फ्रेंड्स पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि पानी की ज़रूरत नहीं है, टर्निप भी पानी छोड़ता है, इसी अपने आप ही ये इसी में पक जाएगा, हमें पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बार ये अच्छे से करके हम फिर कवर कर देंगे और साल्ट ऐड कर देंगे जो टेस्ट के अनुसार यहाँ पे, और ऐड कर दिया है मैंने। और उसके बाद हमें इसको मिला लेना है और कवर कर देना है। और फिर हम देखिए एक बार देखते हैं और एक बार हिला देंगे, बीच बीच में हमको हिलाते रहना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा गलने लगा है और पानी भी थोड़ा सा हल्का छोड़ दिया है। तो इस तरह से हमने इसको फिर से एक बार कवर करूँगी मैं, तो इसको पकने में लगभग 10 से 15 मिनट लगेगा हमें। तो अभी हमारी सब्ज़ी देखिए थोड़ा और अच्छे से पक गई है, गल गई है और देखिए एकदम अच्छे से हो गई है। और उसके बाद लास्ट में हम गरम मसाला ऐड करेंगे 1/4, और उसके बाद चॉप किया हुआ कोरिएंडर ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से तो हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है और बहुत अच्छी बनी है। तो मैं सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्व कर लिया है एक बाउल में। और फ्रेंड्स ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी है। और आपको कैसी लगी मेरा बनाने का तरीका और ये सब्ज़ी, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये पूरी पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर बनाइए, खाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये पसंद आती है रेसिपी तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई